ओह जी। अच्छा, और बेरोजगारी की वजह से सारी टेंशन आती हैं? सबसे बड़ी टेंशन ही बेरोजगारी है, या आम से कम होना, मसाई का ज्यादा होना, ये सब चीजें आ जाती हैं। साइकोलॉजिकली नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजन जो अफेक्ट करता है, ये बेसिकली टेम्पररी रीजन है। अच्छा, ये टेम्पररी रीजन, ठीक है। और जाने कुछ कहोगे? सेट कैसा लगा यार? सेट कैसा लगा नया वाला बहन मेरी? बहुत अच्छा लगा, और आपका शादी वाला सेट भी बहुत अच्छा लगा। हे, थैंक यू सो मच। मैंने आपका देखा, हाउ स्वीट, बहुत इंजॉय। रिपीट में देखा है जब ऑन एयर? रिपीट में भी देखा, ऑन एयर भी देखा। ये देखिए, ये होते आपके, तू छा गई है भाई, तेरे लिए मग है, तू छा गई है विद चॉकलेट्स एंड मग। सईदा का प्लीज नंबर ले लीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात की इन्होंने। यूं और यूं और यूं हुआ दिन रात। मर्द का आखिर मसला क्या है? थोड़ी देर बाद हमारी आवाम हमारे साथ होगी, फुल हंगामा होगा, और वो बताएगी कि उनके ख्याल में मर्द का आखिर मसला क्या है। हमने आवाम से बहुत सारे सवाल किए थे आपने थोड़ी देर पहले, देखिए हम ले रहे हैं अब आपकी कॉल, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब हमारी आवाम यहाँ खुद मौजूद होगी तो हो जाएगा प्रॉब्लम। अच्छी बात बताओ, हम ऑफिस में जाने से पहले एक बात कर रहे थे, ठीक है। एक मुझे, हम लोग जो जिस पे मुझे एक कीड़ा है, मुझे एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, जब तुम ये बात कह रही थी तो मैं सोच रही थी अपने भाई के बारे में। सही। जब तुम ये बात कह रही थी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई फ्रेंड वेन यू वर सेइंग, अब्बा तो जल्दी गुजर गए थे बेचारे, उनको तो मेरी वाट लगा, मुझे वाट लगाने का मौका नहीं मिला ज्यादा, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं मेरी जिंदगी में, उन जो मर्द हजरात जितने भी हैं, उनका मैं तुम्हारी बात से मुझे वाकई समझ में आता है कि यस, वो लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, बहुत कम परसेंटेज है। टॉकिंग अबाउट वन फादर फिगर दैट आई टॉक अबाउट माय बॉस सवर साहब, उनका ये है कि वो बहुत, मुझे लगता है ही इज ऑफ माय एज, वो मेरी एज के बाद जैसे, हाँ हाँ, वो मेरी एज के बन जाते हैं। अभी पता नहीं वो सुन रहे नहीं सुन रहे, लेकिन उनकी वाकई वो बात है, कम टू द लेवल ऑफ, हाँ मैं कोई बात करूंगी नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अब वो मेरा उनका फ्रिक्वेंसी सेम हो जाती है, एनी शेयर्स कि मेरा नहीं ख्याल वो सही हुआ है। अच्छा, अब साथ में कंफर्टेबिलिटी लेवल भी है, मैं उनको बोल देती हूँ, बोलती हूँ आप बोलें, लेकिन ऐसे परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम होते हैं। और अगेन ये परसेंटेज कहाँ खत्म होता है? जब उनकी पर्सनल प्रॉब्लम आएगी। अरे पर्सनल प्रॉब्लम आएगी तो नहीं शेयर करेंगे। देखिए पर्सनल प्रॉब्लम में दो चीज आती है, एक होती है फैमिली प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो पर्सनल प्रॉब्लम, एक होती है अपनी जात के साथ प्रॉब्लम, ठीक है ना। जब तक इंसान अपनी जात की प्रॉब्लम को एक्सप्रेस नहीं करेगा, अगला बंदा आपको समझ नहीं सकता। ओके ओके, मर्द ये चाहता है उसको बगैर बोले कुछ समझ, कोई समझ ले, तो ऐसा हो जैसे बगैर बोले समझ ले, ठीक है। तभी अक्सर हम देखते हैं, मतलब देखा है कि मर्द हमेशा, मोस्टली मर्द ज्यादा दूसरी शादियां करते हैं बनिस्बत औरत के, ठीक है, बिकॉज इज ऑलवेज सीकिंग समवन जो उसको समझ ले, ठीक है, ठीक है, बट वो बोलना नहीं चाहता, वो अपनी जात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर, अपनी जात, ये मुझे बड़ा, अब देखिए उन्होंने, अब एक कॉल है, उन्होंने कहा कि माशी हालात, हाँ वो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं कमा रहा या वो नहीं पूरा कर सकता तो उस चीज को एक्सप्रेस नहीं, दैट विल ब्रिंग अनदर फ्रस्ट्रेशन लेवल, दैट इज अनदर फ्रस्ट्रेशन, वो एक चीज उसमें और ऐड कर ऐड कर फ्रस्ट्रेशन में ऐड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारी प्रॉब्लम अपनी जगह है। मर्द का गुस्सा, मर्द अपना गुस्सा जल्दी एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन अपना प्यार लेट एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि गुस्से के अंदर कंट्रोल होता है, बनिस्बत गुस्सा इज नॉट समथिंग जिसके अंदर। अच्छा, अगर प्यार का इजहार करेगा तो पता नहीं कितना प्यार का इजहार करे, तो इस चक्कर में नहीं, 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 ये तो है कि कितना कर दे, एक तो पोस्टर लेंगे, प्यार का इजहार करने से अक्सर बंदा वीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक औरत है, मैं एक मर्द हूं, ठीक है, मैं आपसे कहूंगी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आपके बिना नहीं रह सकती, ठीक है। अब क्या वो मैंने अपने कंट्रोल छोड़ देगा, अगर तुम नहीं होगी तो मैं, मेरा हाल बेहाल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंट्रोल मर्द लूज नहीं कर सकता, इसीलिए बहुत सारी चीजें जो औरत को, मर्द को बोलनी चाहिए, मर्द नहीं बोल पाता, और यही चीज औरत अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती, कमी महसूस करती। मैं साइना है, अस्सलाम वालेकुम साइना, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम स्वीरी, क्या हाल चाल है? मैं आपसे बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? करम अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। बहुत 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 प्यारी लग रही है, थैंक यू, बहुत अच्छा है, मैंने आपको पूरे वन वीक इतना मिस किया, शादी ऑन एयर भी देखी और रिपीट में भी देखी, और आपको बहुत मिस किया, रियली ऑन एयर रिपीट में। यार आप लोग, आप इतना, मुझे नहीं पता था, बखुदा अल्लाह जानता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था आप लोग को इतना अच्छा लगेगा, आप
इतना अच्छा शो करती है और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और बस मेरा दिल था कि मैं बस किसी तरीके से आपके पास आ जाऊँ। हाय अल्लाह, आज गोजी मामा गोजी, आज आज गोजी आज इनवाइट करें, मैं जरूर आऊंगी। जरूर जरूर आ जाए, यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ? जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। मर्द खुद ही एक मसला है। हाय हाय, ये कौन सा मर्द है? इस मर्द का नाम बताओ मुझे साइना। और उनकी मेन वजह ये होती है कि वो कभी भी बोलते नहीं है जो उनके दिल में होता है, है ना? दिल में वही वाली बात चल रही है हमारी कि दिल में जो होता है वो बोलते नहीं है, इजहार नहीं करते। क्या आप साइना इस बात से इत्तेफाक करोगे जब यूरूज ने कहा कि अगर उनको जो प्यार का इजहार होता है वो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से औरत जो है अपने आप में डिप्रेस या उसकी कमी महसूस करती है? हाँ जी हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, वो कभी भी बोलते नहीं है जो उनके दिल में होता है। हाँ, थैंक यू साइना, थैंक यू स्वीरा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगेन मर्द ये समझता है, मैं जरा सा बता दूं, मर्द ये समझते हैं कि बात आखिर में जब ऑडियंस आएगी तो रह जाएगी। हाँ, एंगर का एक्सप्रेस करने से अपना कंट्रोल कर रहा है, सही, दैट इज रॉन्ग। हाँ, जो इंसान गुस्से में आता है ना, हाँ, वो अपना कंट्रोल गुस्से को दे देता है। ठीक है, ठीक है, वो उसके ऊपर गुस्सा तारी हो जाता है। ठीक है, गुस्सा मतलब वो गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बिकॉज वो गुस्से में बड़ी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है। ठीक है, इसी तरह एक मर्द को ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि सिर्फ गुस्से का इजहार करने से इंसान अपना कंट्रोल शो नहीं करता, अक्सर प्यार का इजहार करने से, प्यार करने से, प्यार से बोलने से अक्सर काफी चीज हो जाती है जो कंट्रोल से नहीं होती, कंट्रोल से नहीं होती। आप कभी कभी प्यार का इजहार अगर कर दें तो अगला इंसान बेचारा खुशी हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप तो अपनी ईगो से नहीं निकलेंगे मनुष्य मारे। हमने अब हमसे पूछा सा बड़ा मसला किसको होता है, औरत को या मर्द को? देखते हैं आवाम ने अपनी राय का इजहार कैसे किया और हमारी ऑडियंस आने वाली है थोड़ी देर बाद, होपफुली। प्लीज हैव अ लुक। ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। दोनों का ही होता है, जाहिर बात है, एक जने का तो नहीं होता ना, दोनों का ही तरफ से होती है, तो बात जब भी होती है ऑब्वियसली औरत का ही, मर्द तो यही कहेगा औरत का। अब आप औरत का, किसी औरत का व्यू पूछेंगे वो मर्द को ब्लेम करेगा, लेकिन देखा जाए तो बोथ द साइड दे हैव गॉट प्रॉब्लम कह लें, या एक दूसरे के लिए मर्द औरत के लिए खड़ा करता है, औरत मर्द के लिए। मसाइल तो वो दोनों ही खड़ा कर सकती हैं, जहां औरत की बात ना मानी जाए तो औरत मसाइल खड़ा करेगी, जहां मर्द की बात ना मानी जाए तो मर्द मसाइल करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में मर्द जो है उसमें ना औरत को बराबरी की शराकत नहीं मिली है, इसलिए औरत ज़्यादा मतलब पेश में आती है कि उसे उसका हक नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर कानून बनाने वाला, कानून पर अमल दरामद करने वाला, कानून पर फैसले देने वाला मर्द है। अगर औरत को बराबरी की शराकत दी जाए तो फिर ये दोनों सही तरीके से और सही रहनुमाई के साथ आगे जा सकते हैं। जो जिम्मेदारी होती है वो औरतें बताती रहती है मर्द को, वक्तन वक्तन जो है बार दफा याद नहीं रहता मर्दों को, ये कहती है ये करना है, अब ये करना है, वो करना है, लेकिन ये है कि बार दफा बंदा प्रेशर में आता है और फिर कुछ गलत चीज़ें भी हो जाती हैं मर्द से, लेकिन ये है कि करती औरतें ही हैं, शुरुआत औरतें ही करती हैं, दोनों ही कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर दोनों करते हैं, कभी जेंट्स की तरफ से होते हैं कभी फीमेल करती हैं, औरत की तरफ से भी होता है, मर्द की तरफ से भी होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्द नहीं मतलब है कंप्रोमाइज करते औरत के साथ, और कुछ ऐसी और मर्द से मसाले होते हैं जो औरत नहीं कर पाती, मतलब दोनों की तरफ से ही होते हैं, दोनों अगर मिलजुल के रहें तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। औरत ही कर सकती है भाई उनके, क्योंकि हम लोगों से ज्यादा तो वही उनके इंस्ट्रूमेंट ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, पहना ओढ़ा चल दिए बाहर निकल गए, और उनके लिए गेटअप करना बड़ा मसला बनता है। एक तो ब्यूटी पार्लर ने लोगों को खाया हुआ है, आप जाए फेशियल कराए 2000 लेते हैं, और क्या कहते हैं आप बाल कटाए तो उसके 400 जाते हैं, तो इस तरह ही। थैंक यू भाई साहब, आप तो लग रहे थे लिख कर आए घर से और पढ़ेंगे, आप पूरा पढ़े, बहुत शुक्रिया आपका। अवधिन हजरात, हमारे साथ हमारी खवातीन ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनके लिए जरा सा मतलब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से, फर्स्ट क्लास से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहला सवाल, मर्द का आखिर मसला क्या है? शुरू हो जाए, इंतजार के बात करें। माइक 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 के बगैर नहीं। हाँ जी, माइक दे दें प्लीज आप, आप उनको माइक दे दीजिए। अरे इनको दे दीजिए, इनको इनको। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं मिसेज हमीद, मिसेज फौजिया हमीद बात कर रही हूँ। मेरी नजर में मर्द का सबसे बड़ा जो मसला है, हाँ, वो ईगो का मसला आ जाता है। ईगो का मसला है जहाँ तक, क्योंकि मर्द कभी अपनी ईगो को हर्ट नहीं होने देता किसी भी पॉइंट पे, वो अपने ईगो को हर्ट नहीं होने देता है। लाइक
एक तरफ तो वो अपनी बीवी से बहुत दोस्त बन के मिलता है, कहता है कि तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, बहुत अच्छी फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करके बहुत अच्छा रहूंगा, ये रहूंगा। लेकिन जब बीवी से वो अपनी हर बात को शेयर करने लगती है बीवी उसके साथ, तो वो वहाँ पे उसकी ईगो हर्ट होने लगती है। कहती है कि ये मुझसे आगे किस तरह से बढ़ रही है, ये क्यों इतना, वहाँ पे वो हस्बैंड बन जाता है। ओके, वहाँ पे तो ये गलत है, ये गलत है जी। मैम आप क्या कहेंगी, मर्द सबसे बड़ा मसला जी, ईगो का ही कहूंगी, ईगो का ही मसला जी, है क्यों कहा जाता है। प्लीज कॉल कीजिए मर्द हजरात से, मेरा सवाल है कि प्लीज आप कॉल कीजिए और बताइए कि आप आपके बारे में खवातीन ये क्यों राय रखती हैं कि आप लोगों का सबसे बड़ा मसला है अना जी। अना ये अना इस तरह से भी है कि जैसे वो औरत से मशवरा तो करता है लेकिन कभी भी उसको क्रेडिट नहीं देता, क्योंकि बेसिकली पीछे वो औरत ही बोल रही होती है ऐसा कर लें वैसा कर लें, उसके आगे भी वो अग्री नहीं होता, लेकिन जब बाद में पीछे वो वही काम करता है लेकिन क्रेडिट कभी भी औरत को नहीं देता, उसके ऊपर जाहिर ये नहीं करता कि मैं तुम्हारी बात सुनी या मैं अग्री करता हूँ, लेकिन करेगा शायद वही और क्रेडिट भी नहीं देगा। बिल्कुल, वेरी वेल, वेरी वेल पॉइंट। बड़ा यार तालियां तो जान लगा के होनी चाहिए। मतलब हमारे साथ रिजवान साहब है, बेचारा फंसा एक मर्द थी सारी औरतों में। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाजी, मैं रिजवान बोल रहा हूँ हैदराबाद से भाजी। कैसे हैं आप रिजवान भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाजी। बहुत दिन से जब से आप नौरीन की शादी कर रही थी मैं उस वक्त से मिला रहा हूँ। आई एम सो सॉरी रिजवान भाई, फरमाइए क्या कहें। कॉल इतनी आपसे बिजी रहती है कि मैं मिला मिला के दो दो घंटे तक थक जाता हूँ। आई नो, शुक्र है भाई आज आपसे बात करने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के? सबसे पहले भाई मैं ये कहूंगा कि आपका सेट बहुत प्यारा लग रहा है आज। सेट के लिए तीन तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको खुश रखे। आमीन इलाही आमीन। ये शादी की है नौरीन भाजी की, इतनी मेहनत की है, इतने प्यारे प्यारे डांस दिखाए हैं, शादियों के गाने सुनाए हैं, प्यारे प्यारे डांस। अरे लोग मारेंगे मुझे, नचा नचा के तुमने कौम को खराब कर दिया। लेकिन बात ये है कि जो आपने आज मर्द हजरात के रखा है कि सबसे बड़ा मसला तो भाजी ये है कि घर चलाने के लिए बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, जॉब अच्छी होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली अच्छा घर और बच्चे भी खुश, वाइफ भी खुश, चौर भी खुश। आई नो यानी कि बेरोजगारी आपके ख्याल में। खवातीन क्या कहेंगी इस वजह से कि क्या बेरोजगारी एक वजह वजूहात में से कोई एक वजह है? बिल्कुल है, हाँ। ये वजह भी है, हाँ। मर्द की जो एबिलिटी होती है उसके मुताबिक हमारे यहाँ पे जॉब नहीं दी जाती, ठीक है, उससे मर्द फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन अपने घर पर निकालता है, बीवी बच्चों के खर्चे होते हैं, पेरेंट्स का उसका खर्चा होता है, घर किराए का होता है, आखिर MBA एक स्टूडेंट होता है, बड़ी मेहनत से MBA करता है, आके उसे वो जॉब नहीं मिलती, तो वो आकर ये करता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की वो जॉब कर लेता है, उसे 12 घंटे की जॉब करनी पड़ती है, उसमें सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं होता, जहाँ पर खेल के वो अपनी वो जॉब कर रहा होता है वहाँ पर, तो सबसे ज्यादा खतरा उसे इसी चीज का होता है कि सबसे पहले आके मुझे ही मारा जाएगा, वो अपनी जान पे वो रखते हैं, वो 8-10 हजार में वो अपने घर को किस तरह से खर्चा चलाएगा, क्या वो अपने माँ को देगा? यानी कि महंगाई और बेरोजगारी वजूहात में से लिस्ट में से एक चीज। बिल्कुल ये एक चीज है। क्यों ये बात अभी हम डिस्कस करें थोड़ी देर पहले के रूजो में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था कि मर्द हजरात जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने चीज का इजहार नहीं करेंगे औरत के सामने, यानी कि अपनी बीवी या बहन या माँ या बेटी के सामने नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे कि शायद उन्होंने अगर इजहार कर दिया तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ जी, जो इनका पॉइंट था ना, हाँ, बैठी हुई है, हाँ, उन्होंने कहा, मैं सॉरी आपका नाम भूल गई, रजिया ने कहा, हाँ, कि अगर मर्द को हमको आइडिया देते हैं, हाँ, और मर्द उस पर शायद एक्ट भी कर ले लेकिन वो क्रेडिट नहीं देता, राइट, ठीक है, वो क्रेडिट क्यों नहीं देता? अब इसमें बहुत ज्यादा जो आता है, हाँ, एक कहते हैं ना हाथ, वो एनवायरमेंट का आता है, फैमिली का, माहौल का आता है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ससुराल में रह रहे, ज्वाइंट फैमिली में, अगर उसने कह दिया जी मैंने अपनी वाइफ के कहने पे ये काम किया और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, हाँ, तो मान इनसिक्योर हो जाना है, ठीक है, ठीक है, मान इनसिक्योर ने, नंदो ने इनसिक्योर हो जाना, नंदो ने दूसरी भाभियों ने इनसिक्योर हो जाना, जी ये तो ये करता है, अब उसके भाइयों ने आके उसको बातें सुनाई, अगर दोस्तों में कहेगा तो कहेंगे जी तुम अपनी बीवी की बातें सुनते, तुम बीवी के गुलाम हो, जोड़ू के गुलाम हो, तो ये सारी चीजें, अब ये सारी चीज एडअप कर जाती है, वो एनवायरमेंट की भी कर जाती है मर्द की पर्सनैलिटी के अंदर, क्योंकि औरत को समझना मुश्किल है, मेरा ख्याल है मर्द को भी समझना उतना ही मुश्किल है। हमारे साथ लाहौर से एक कॉल है, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें? वालेकुम सलाम जी, मोहसिन रजा बात कर रहा हूँ। कैसे हैं मोहसिन रजा साहब? टीवी की आवाज ऐसा कर दीजिएगा। बिल्कुल आवाज कम है जी, मुझे भी नहीं आ रही टीवी की आवाज, तो अपने आपको नहीं आ रही है, मुझे कैसे आ रही है फिर? नहीं मैंने ऐसे दसो पहले, अब तो नहीं आ रही। हाँ जी हूं नहीं आ रही, हूं दसो की हाल है तुम्हारा?
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, की मसला है ताड़ा? मसला की है मेरा कोई मसला नहीं, मान मैनू तो बड़ा मजा आता है, मान चिंगारी लाते माचिस वर्गी ला के मैं तुर जाने। गुड वन जी जनाब, मौसम साहब क्या कहेंगे? कहना क्या है, एक अमर तुम जा रहा प्रदेश का आता है सुबह से शाम तक, ठीक है, बेगम की खातर, बच्चों की खातर, ठीक है, छह छह महीने बाहर के मुल्क गुजारता है, हाय हाय, और लड़की कोई नहीं आती उसकी जिंदगी में, हाय बेचारा, जिंदगी मौत से खेल कर पैसे कमा के लेता है और आप लोग पैसे उजार देते हैं, हाँ तो मसला ही नहीं है, हाय हाय बेचारा मासूम, तो कोई मसला ही नहीं है, बाहर वो जाता है लोगों में।